न्यूज झारखंड व पाए झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। लातेहार जिला बरवाडीह प्रखंड के अंतर्गत लात पंचायत के चार गांव बरखेता, लात, हरहे, टोंगारी चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों का संचालन बरवाडीह से हटाकर रेफरल अस्पताल गारू प्रखंड जमा करने का आदेश मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार के द्वारा कर दिया गया है। इसकी जानकारी लात पंचायत के ग्रामीणों को हुई तो ग्रामीणों ने लात पंचायत भवन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों ने बरवाडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राकेश सहाय को ज्ञापन देकर पुनः बरवाड़ी प्रखंड से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। सहिया मंजू देवी ने बताया कि हम लोग 2006 से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम लोग को स्वास्थ्य सहिया बहाल हुए थे। 2021 तक हम लोग बरवाडीह प्रखंड से संचालित होते थे, परंतु हम लोग के कुछ दिन से गारू प्रखंड के रेफरल अस्पताल से स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था कर दी गई है, जिसके कारण हम महिला सहिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहिया प्रेमलता मीज ने बताया कि जब से हम लोगों को लातेहार जिले से चिट्ठी मिली है गारू प्रखंड के रेफरल अस्पताल से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था का सारा काम होगा, तब से हमारे यहाँ कोविड-19 का टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं हम लोगों के चार गांव में नहीं हो रही हैं। इसलिए हम लोग चतरा के सांसद महोदय, मनिका के विधायक, लातेहार जिला के उपायुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को फिर से बरवाडीह प्रखंड से स्वास्थ्य चिकित्सा बहाल कराने की कृपा प्रदान करें। मांग करने वाले सहिया का नाम मंजू देवी, प्रभा देवी, गायत्री देवी, मरसिया देवी, सरस्वती देवी, 100 से अधिक हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। मेरा नाम है मंजू देवी, मैं हरहे की सहिया हूँ। मेरा बरवाडी का संचालक बहुत पहले से हो रहा था, जब से 2006 में हम लोग का सहिया चुनाव हुआ, वहाँ से हम लोग प्रखंड बरवाडी से ही हम लोग काम किए। हम लोग को प्रखंड बरवाडी से ही सारा काम होना चाहिए, गारू नहीं। गारू आने जाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग का जो संचालक कर रहे हैं प्रभारी, वो हम लोग को स्वतः बरवाडीह प्रखंड से ही किया जाए। अथी में हम लोग का बीच में रस्सी फंसा हुआ है, इसीलिए इस रस्सी को तोड़ने के लिए हम लोग ग्रामीण जनता से सहायता लिए। और मैं यही आग्रह करती हूँ कि इसी समस्या को देखते हुए भी सांसद, विधायक, उपायुक्त महोदय और जो भी जनप्रतिनिधि से आशा करती हूँ कि इस समस्या को देखते हुए हम लोगों का समाधान होना चाहिए और कोशिश में रहेंगे कि जो भी सहिया का बात आगे तक जाए, वहाँ तक का आप लोग स्वीकार करते हुए यहाँ से हम लोगों का काम निधन किया जाए। मैं और यह परिस्थिति देख रही हूँ कि कोविन का टीका बहुत ही कम कोविन टीका प्रखंड बरवाडी ग्राम हरहे चाहे ग्राम बरवाडी है राम तुम्हारी मेरा नाम सरस्वती देवी है, बरवाडी से काम कर रहे हैं दारू ना करेंगे, आने जाने में दिक्कत होता है। बरवाडी के बहुत सुविधा हम लोग सब लोग की सुविधा होता है, दारू सुविधा पड़ता है, दारू ना चाहे हम बरवाडी से काम करेंगे। मेरा नाम है ग्राम तुम्हारी, पंचायत क्लास
मेरा नाम प्रेमलता मीन, ग्राम बरखेता, पोस्ट लाल, थाना परवाड़ी, और मैं बरखेता की सहिया हूँ। और हम चाहते हैं कि दारू ना करके बरवाड़ी में वहीं से हमारी काम वहीं से करेंगे, और आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। और मतलब गारू नहीं जाकर बरवाड़ी से हमारी जो भी मतलब पहले जैसे काम करते थे वैसी मतलब होना चाहिए, और वैसी काम करेंगे और गारू नहीं जाएंगे। हम लोग का नाम है कि गारू नहीं जाएंगे, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, और उधर अल्टर जगह है। धन्यवाद। का जो हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा और नहीं हो पा रहा है, और उधर की बोलते हैं कि 3 माह में टीकाकरण होगा, ऐसा कैसे होगा? 3 माह में कितना नुकसान होगा, सब लोग भूल जा रहे हैं कि कब टीकाकरण होगा बच्चा का सुई दिलवाने के लिए, अभी तक नहीं हो रहा है, सब पूछती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमको हम लोग को गाढ़ी मतलब बरवाढ़ी कर दीजिए। ऐसे इसकी जानकारी आप लोग कहाँ तक दी? यह समस्या जब से गारू आप लोग के बरवाड़ी से हटा के किया गया, इसकी जानकारी आप लोग कहाँ किए हैं? इसकी जानकारी हम वीडियो बरवाड़ी पदाधिकारी को भी दिए हैं, और जहाँ हमारे यहाँ लाल पंचायत में जनता दरबार था 4 तारीख दिसंबर को, उस दिन भी दिए हैं। अभी तक तो कुछ सूचना भी नहीं मिला है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, अब क्या करेंगे? अब लास्ट में तो यही करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हो सके तो आप हम लोग को जल्दी अपना ये बरवाड़ी प्रखंड में ही काम मतलब करेंगे, शुरू करेंगे।